हाँ जी, सी पार्ट देखिए, कुड कुड ऑब्वियस है, पास्ट हो गया कैन का, और वॉज वर एबल टू, बी एबल टू का पास्ट हो गया। सिंगुलर वर्ब होगी तो वॉज एबल टू बन जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर एबल टू बन जाएगा। एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कैन और कैन के बारे में पढ़ा था और बी एबल टू के बारे में पढ़ा था, वैसे ही है एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, है ना। चाहे पर्सन की एबिलिटी है या अपॉर्चुनिटी है पास्ट की, वहाँ पे क्या थी, प्रेजेंट की थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड या फिर वॉज वर एबल टू लग जाएगा। लाइक नताशा कुड प्ले, बजा सकती थी, या फिर वॉज एबल टू प्ले पियानो व्हेन शी वॉज फोर, दोनों सही हैं। देखो कुड भी लगा सकते हैं आप, पास्ट की अगर आप एबिलिटी को शो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी शो को शो कर रहे हैं, तो आप कुड के साथ वॉज एबल टू दोनों लगा सकते हैं। चाहे कुड लगा लीजिए सेंटेंस में, चाहे वॉज एबल टू लगा लीजिए, दोनों सही हैं। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैन या फिर बी एबल टू दोनों लग सकते हैं, है ना, पढ़ा था ना, कैन और बी एबल टू लग सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे क्या था, शी कैन राइट या फिर शी इज़ एबल टू राइट, दोनों लगा सकते थे ना, वैसे ही यहाँ पे लग जाएगा। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पास्ट की अपॉर्चुनिटी और एबिलिटी बता रहे हैं, तो नताशा कुड प्ले, बजा सकती थी, नताशा वॉज एबल टू प्ले, नताशा बजाने के योग्य थी जब वह 4 साल की थी, यानी पास्ट की एबिलिटी और हम अपॉर्चुनिटी के बारे में वी आर टॉकिंग हेयर, ओके। और उसके बाद क्या है, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड इन पर्टिकुलर एक्शन। अब ये तो हो गया आपका पास्ट का जो हो गया, अब देखो पास्ट में कोई एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी जिसके कारण एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ था, यानी कन्फर्म्ड एक्शन हुआ था। देखो एक्शन एक तो होती है स्टेटमेंट पास्ट की, लाइक नताशा कुड प्ले व्हेन शी वॉज फोर, नताशा पियानो बजा सकती थी जब वह 4 साल की थी, ये तो आपकी हो गई एक स्टेटमेंट पास्ट की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई रिजल्ट में उसके एक्शन हुआ था, तो एक्शन हुआ था, एक्शन कैसे होता है, कोई चीज़ हुई कंप्लीट हुई, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, वहाँ पे आप लगाओगे वॉज या फिर वर एबल टू। देखो अगर पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ है, कोई भी काम हुआ है, उसका एक रिजल्ट हुआ है, एक्शन आया है, तो वहाँ पे आप कुड नहीं लगाओगे, क्योंकि कुड पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है, एक्शन को नहीं। वहाँ पे आप वॉज या फिर वर एबल टू लगाओगे। जैसे द प्लेन वॉज एबल टू टेक ऑफ, प्लेन कब टेक ऑफ हुआ, होने के योग्य था, जब 11 o'clock, जब फॉग लिफ्ट हुई। फॉग लिफ्ट होने होना क्या है, एक एक्शन हुआ जिसके बाद आपका प्लेन टेक ऑफ होने के काबिल हुआ था। दूसरा क्या आ गया, द ड्राइवर्स वर एबल टू स्टॉप बिफोर दे क्रैश्ड इनटू ईच अदर। यहाँ पे क्या हुआ, एबल टू स्टॉप, रोकने के योग्य हुआ, रोका है ना, रोक सके वो, ये क्या हो गया आपकी एबिलिटी हो गई, आपने कुछ किया जिसका कि रिजल्ट निकला, स्टॉप कर पाए, बिफोर किससे पहले कि वो एक दूसरे में क्रैश हो जाएं, उसे पहले ही उन्होंने रोक लिया। तो यहाँ पे भी वर एबल टू आ गया क्योंकि रिजल्ट में एक एक्शन आया, स्टॉप हुआ है ना, उसके रिजल्ट में क्या एक्शन हुआ कि बचाव हुआ, प्रिवेंशन हुई। वहाँ पे भी क्या हुआ, फॉग लिफ्ट हुई, तो उसके बाद ही प्लेन लिफ्ट हुआ, टेक ऑफ हुआ। तो जब कोई पर्टिकुलर एक्शन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, वॉज या फिर वर एबल टू लगाएंगे, कुड नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुड सिर्फ आपका पास्ट की एबिलिटी बताता है। अगर आप पास्ट की एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी बताना चाहते हैं, वहाँ पे कुड भी लगा सकते हैं, वॉज वर एबल टू भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट में किसी रिजल्टेड एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज यूज़, क्या यूज़ करोगे आप, वॉज या फिर वर एबल टू, ओके। देन पास्ट की एबिलिटी का देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए हम कुड भी लगा सकते हैं और वॉज वर एबल टू भी लगा सकते हैं। अब पास्ट की एबिलिटी और पास्ट का एक्शन, ये दो दिए हुए हैं, इनको कंपेयर कीजिए। देखो एबिलिटी का मतलब है सिर्फ उसकी एबिलिटी बता रही है, एक्शन का मैंने अभी आपको बताया, पास्ट की एक्शन में यानी कोई पर्टिकुलर काम हुआ। तो देखिए द चिल्ड्रन कुड स्विम व्हेन दे वर क्वाइट यंग, ये भी आ सकता है, द चिल्ड्रन वर एबल टू स्विम व्हेन दे वर क्वाइट यंग। अभी हमने पढ़ा ना कि जो पास्ट की एबिलिटी है, अगर पास्ट की एबिलिटी है उसको हम
कुड या फिर वॉज वर एबल टू, दोनों से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अकेला कुड लिखा है, लेकिन यहाँ पे वर एबल टू भी आ सकता है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर एबल टू। ओके, द चिल्ड्रन वर एबल टू स्विम व्हेन दे वर क्वाइट यंग, या फिर आ जाएगा द चिल्ड्रन कुड स्विम व्हेन दे वर क्वाइट यंग, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। दूसरी जगह देखिए पास्ट के एक्शन की बात हो रही है, यानी कोई रिजल्ट में पर्टिकुलर एक्शन हुआ, तो द चिल्ड्रन वर एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ स्विमिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो रिवर अक्रॉस द रिवर, रिवर में मतलब रिवर में स्विम करने के एबल थे, एक पर्टिकुलर एक्शन बता रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं है, यानी रिवर में वो एक्शन हो रहा था कि वो स्विमिंग कर पा रहे थे, तब कर पा रहे थे, एबल थे, करने के योग्य थे। तो यहाँ पे अक्रॉस द रिवर जो वर्ड है ना, ये आपका क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपने एक्शन किया, रिवर की बात हुई ना, स्विम जब पहले वाला सेंटेंस था उसमें रिवर की बात नहीं हुई, लेकिन सेकंड सेंटेंस में रिवर की बात हुई है, अक्रॉस द रिवर। सो अक्रॉस द रिवर क्या शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्शन। तो वहाँ पे हमने अकेला वर एबल टू लगाया है, कुड वहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन जो पास की एबिलिटी है उसमें इन्होंने अकेला कुड लगाया है, बट हमने पढ़ा है कि वर एबल टू भी लग सकता है और कुड भी लग सकता है, सो बोथ आर राइट। नेगेटिव स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म यूज़ हो सकती हैं, यानी आप कुड भी लगा सकते हैं, वर एबल टू भी लगा सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो कुड नॉट और वर नॉट एबल, वर नॉट एबल टू आ जाएगा, लाइक द पूल वॉज क्लोज्ड, पूल बंद हो गया था, सो दे कुड नॉट, है ना, एबल टू हैव अ स्विम, या फिर दे वर नॉट एबल टू हैव अ स्विम, could not able, could not have a swim, या फिर were not able to have a swim, दोनों लग सकते हैं, ठीक है। could not have a swim, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि पूल बंद हो गया था, या फिर आ जाएगा were not able to have a swim, ठीक है, वो वहाँ पर स्विमिंग नहीं कर सकते थे। या फिर अगर आपका क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वाले में मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो आपकी वर्ब होगी वो हमेशा आगे आ जाती है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है, या तो कुड है या फिर क्या है, वर एबल टू, तो क्या आ जाएगा, कुड यू डिस्क्राइब द मैन टू द पुलिस, ऐसे आ जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, वर यू एबल टू डिस्क्राइब द मैन टू द पुलिस, बोथ आर राइट। यानी नेगेटिव और क्वेश्चंस में यू कैन यूज़ बोथ फॉर्म्स, कुड नॉट, वर एबल टू, वर नॉट एबल टू, और कुड यू या फिर वर यू एबल टू, बोथ आर राइट। ओके, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुड है तो कुड आगे आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और वर एबल टू इकट्ठा है तो वर और एबल टू स्प्लिट हो जाएगा, वर एबल टू के बीच में यू आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर यू एबल टू बन जाएगा, ठीक है। विद वर्ब लास्ट में बताया हुआ है कि कुछ वर्ब्स हैं, जैसे सी वर्ब है, थिंक वर्ब है, स्मेल वर्ब है, इनके साथ हम अकेला कुड यूज़ करेंगे और कुछ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक वी कुड सी द विलेज इन द डिस्टेंस, हम दूर से विलेज को देख सकते थे। As soon as Harriet opened the door, she could smell gas. जैसी Harriet ने दरवाज़ा खोला वो गैस को स्मेल कर सकती थी। I could not understand what was happening. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लास्ट में तीन वर्ब्स बताई हुई हैं, सी, थिंक, स्मेल, इनके साथ आप हमेशा कुड ही यूज़ करोगे, और ऊपर आपको पास्ट एबिलिटी और पास्ट एक्शन बताया है। पास्ट एबिलिटी में आप कुड और वर एबल टू बोथ यू कैन यूज़, और पास्ट एक्शन में आप अकेला वर एबल टू यूज़ करोगे। और अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की या क्वेश्चंस की, वहाँ पे आप जो आपका कुड है या फिर बी एबल टू है, बोथ यू कैन यूज़, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुड एंड वॉज वर एबल टू का हमने पहले पढ़ ही लिया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश कीजिए, आप साथ साथ में एक्सरसाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।